आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लबिंग ऑफ इनकम माइनर चाइल्ड, ये क्या सेक्शन है, क्या प्रोविजन? इसका सेक्शन है 64(1)(a) सब सेक्शन। ये हमें क्या बताता है ये देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस सेक्शन में क्या बताया गया और क्या क्या प्रोविजन है। जैसे मान लो आप कि मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स इन दोनों का सन मिस्टर ए जिसकी एज 5 ईयर है, इन दोनों का एक लड़का है, इन दोनों का एक बच्चा है जिसकी एज कितनी है हमारी 5 ईयर। मिस्टर एक्स की अपनी खुद की इनकम, ये भी जॉब करता है और वहां से वो 5 लाख रुपए पूरे साल का कमाता है, और ये 4 लाख रुपए पूरे साल का कमाती है। मिस्टर एक्स ने एक प्लानिंग करा और प्लानिंग ये करा कि वो अपने बच्चे को आफ्टर 12th आउट ऑफ इंडिया भेजेगा फॉर द स्टडी पर्पस। उसके लिए करीब इनको 25 से 30 लाख रुपए की जरूरत होगी। तो इसने अभी से ही मिस्टर एक्स ने अपने सन के नेम पे एक एफडी करवा दिया, अपने बच्चे के नाम पे एफडी करवा दिया सपोज 10 लाख रुपए का, जिस पे गवर्नमेंट ने बोला कि आपको ब्याज दिया जाएगा 10%। इसकी वाइफ ने भी, मिसेस एक्स ने भी इसके नाम पे एक म्यूचुअल फंड ले लिया सपोज करते हैं, म्यूचुअल फंड। और जो म्यूचुअल फंड था वो था 20 लाख रुपए का, और इसके ऊपर रिटर्न जो था वो रिटर्न था सपोज 15%, 15% का। यानी जिस साल पैसे को इन्वेस्ट किया, जिस साल पैसे मिस्टर एक्स ने और मिसेस एक्स ने लगाया यानी अपने बेटे के नाम पे किया, उस साल तो कोई इनकम जनरेट नहीं होगा, उसके नेक्स्ट ईयर से इस 10 लाख रुपए वाले एफडी पे इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं मिलेगा, मिलने लग जाएगा इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1 लाख। और इस 20 लाख रुपए पे भी म्यूचुअल फंड है तो डिविडेंड मिलता है, म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट नहीं मिलता, उसमें क्या मिलता है? डिविडेंड। यहां पे इसकी डिविडेंड इनकम आनी चालू हो जाएगी 3 लाख रुपए। हुआ ऐसा, इनकम टैक्स ऑफिसर जब ये सारा का सारा हमारा इनकम टैक्स ऑफिसर आईटीओ, आईटीओ ने देखा कि इसका बच्चा जो है वो 1 लाख रुपए इसके बच्चे के नाम से इनकम है और 3 लाख रुपए यानी साल का 4 लाख रुपए इसके बच्चे के नाम से है। जब इनकम टैक्स ऑफिसर मिस्टर एक्स के पास आता है, मिस्टर एक्स से पूछता है कि भाई आपकी इनकम कितनी है, तो मिस्टर एक्स बोलता है कि 5 लाख है। मिसेस एक्स से पूछता है आपकी इनकम कितनी है, वो बोलती है कि 4 लाख है। इनकम टैक्स ऑफिसर मिस्टर एक्स से बोलता है कि जी आपके बच्चे के भी इनकम है कुछ, तो इनका जवाब होता है कि सर वो तो मेरे बच्चे की इनकम है, उस पे तो वो टैक्स देंगे। अगर मान लो, सपोज करो इनकम टैक्स ऑफिसर बोले चलो ठीक है बच्चा टैक्स देगा, तो बच्चा टैक्स कितना? 4 लाख रुपए इनकम है। टोटल इनकम कितनी है बच्चे की? इसमें से 2.5 लाख रुपए का तो एग्जम्पशन ले जाएगा ये, है कि नहीं? वो टैक्स किस पे देगा सिर्फ? और 1.5 लाख पे देगा 10%, यानी 15,000। मिस्टर एक्स किस पे देगा? 5 लाख पे ओनली।
2.5 लाख तक एग्जम्पशन, 2.5 लाख पे 10%। मिसेस एक्स भी सेम यही रहेगा। यानी ऐसे सिचुएशन में इसको कितना टैक्स देना पड़ रहा है, 1.5 लाख पे 10%, यानी 15,000 ओनली। मैं एजुकेशन सेस वगैरह की बात नहीं कर रहा अभी, और ये अपने अपने इंडिविजुअल। इनकम टैक्स ऑफिसर ने देखा कि इसको जो इनकम ट्रांसफर किया है वो तो करा इन दोनों ने ही है, और बच्चा जो है अभी माइनर है, यानी 18 से ऊपर भी नहीं है, जो कि ये सारा मैनेज कर पाए। अल्टीमेटली ये सारा फंड का मैनेजमेंट इसी का है, बस नाम चले गया, मैंने अपने बेटे के नाम पे करवा रखा है, बस नाम का उसका बेटा है। इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है जी ये 4 लाख रुपए की इनकम पे बच्चा टैक्स नहीं देगा, इस 4 लाख रुपए के इनकम पे टैक्स देना होगा इसके पेरेंट्स को। अब पेरेंट्स एक्स और मिसेस एक्स, उसमें से कौन देगा, क्योंकि पैसे दोनों ने दिए हैं, मिस्टर एक्स ने भी दिए हैं, मिसेस एक्स ने भी दिए हैं। तो इनकम टैक्स ने बोला कि ये जो 4 लाख रुपए की इनकम है वो इनकम ऐड कर दिया जाएगा पेरेंट्स में, लेकिन जिसकी इनकम सबसे ज्यादा होगी, जिसकी इनकम सबसे ज्यादा। तो यहां पे मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स में से सबसे ज्यादा इनकम किसकी है, मिसेस एक्स या मिस्टर एक्स? मिस्टर एक्स। तो ये 4 लाख रुपए का इनकम किसमें क्लब हो जाएगा, मिस्टर एक्स में। अब देखो मिस्टर एक्स अपने 2.5 लाख का एग्जम्पशन तो पहले भी ले रहा था, अब भी लेगा। अब इसकी इनकम पे पता है कितना, पूरे 4 लाख पे टैक्स जाएगा। यहां पे तो बच रहा था ये, तो यहां पे आ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला हम ऐसे नहीं करेंगे आपके साथ, हम 4 लाख रुपए पूरा ऐड नहीं करेंगे, हम आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं। यानी आपके जितने भी बच्चे के इस तरीके से इनकम होगा वो सारा पेरेंट्स में से जिसका भी ग्रेटर इनकम होगा उसमें तो ऐड कर देंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू हम एग्जेम्पशन देंगे। एग्जेम्पशन देंगे 1,500 रुपए पर चाइल्ड के हिसाब से। यानी 4 लाख रुपए हम आप में ऐड नहीं कर रहे, 1,500 रुपए माइनस कर दो। इसका मतलब 4 लाख ऐड नहीं किया जा रहा, 1,500 माइनस कर दे तो 3,98,500 रुपए। तो इसमें कितना इनकम क्लब होगा इसके फादर में, 398,500। ये एग्जेम्पशन आपको मिलेगा अगर मान लो इसके दो बच्चे होते हैं, दोनों बच्चों के इनकम होता हमारा, तो कितने मिल जाते, 1,500 पहले बच्चे का, 1,500 दूसरे बच्चे का। मान लो तीन बच्चे होते तो इसमें बच्चों की कोई लिमिट नहीं है, जितने बच्चे और हर के हिसाब से हमारा 1,500 1,500 रुपए का एग्जम्पशन दे दिया जाता है। अब क्या कर सकते हैं, अब इनकम इनकम ज्यादा एफडी, मैंने तो अमाउंट ऐसा लिया, मान लो इसका इनकम होता 2,500, तब तो लगता 1,500 बहुत ज्यादा है, वो तो अमाउंट के ऊपर डिपेंड है। हाँ जितना भी आप क्लब करोगे इनकम, जितना भी बच्चा कमाता पैसा है उस पैसे को किसी में जोड़ोगे, पेरेंट्स में, मम्मी या पापा में तो जोड़ना ही है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा टोटल इनकम किसका ज्यादा है। जैसे ही हम ऐड करेंगे टोटल इनकम में, टोटल इनकम में ऐड करने से पहले 1,500 रुपए का एग्जम्पशन गवर्नमेंट ने अलाउड किया हुआ है, और ये 1,500 रुपए का एग्जेम्पशन करने के बाद होगा। लेकिन अगर देखा जाए 1,500 रुपए का एग्जेम्पशन तो दे दिया हमने, कई बार क्या होता है, मान लो मिस्टर एक्स, इधर ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो आप, अभी ये पूरा सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आगे और लेके चलते हैं इसको। मान लो मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स का एक और बच्चा है, मिस्टर एच, और ये बच्चा जो है मिस्टर एच ये हैंडीकैप है। यानी हैंडीकैप का मतलब हमारे इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 80U के अंदर कुछ बीमारी स्पेसिफाइड किया गया है कि ये बीमारी अगर होता है तो इसे हैंडीकैप बोला जाएगा, चाहे ब्लाइंड हो, चाहे डम हो, चाहे अंधा
मान लो इस बच्चे का पैर नहीं, हाथ नहीं, जो भी नहीं है, वट एवर, ये बच्चा हैंडीकैप है, और इसके पेरेंट्स ने, फादर ने इसके नाम पे 10 लाख रुपए का एफडी करवाया हुआ है, और यहां से भी इनकम आएगा, यहां से इनकम आया फिर से 1 लाख रुपए। अब ये इनकम किस में जोड़ा जाए? फिर से वही कॉन्सेप्ट समझ में आता है हमें, पेरेंट्स जिसके ज्यादा है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहां पे बोला कि अगर बच्चा हैंडीकैप है तो ऐसे केसेस में इनकम पेरेंट्स में क्लब नहीं होगा, बच्चे को खुद देना पड़ेगा टैक्स। यानी ये हैंडीकैप है तो टैक्स कौन देगा? बच्चा ही देगा खुद जाके। तो बताओ ये बच्चे के लिए फायदे की बात हुई या नुकसान की बात है? फायदे की बात है, क्योंकि 2.5 लाख रुपए का एग्जम्पशन लेके जाएगा बच्चा ये। तो यानी वैसे क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन तो हमारा क्या है कि जब कभी भी कोई भी बच्चा इनकम कमाता है तो ऐड कर दिया जाएगा उसके पेरेंट्स में, सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन 1500 रुपीज। बट इन केस ऑफ चाइल्ड इज हैंडीकैप, डिसेबल हो, कोई भी डिसेबिलिटी होता है इसमें, तो उस इनकम पे पेरेंट्स वैसे बच्चा तो, अगर आप माइंड में सोच रहे हो कि बच्चा को मान लो पैर नहीं, कैसे जाएगा इनकम टैक्स भरने के लिए, हाथ नहीं है कैसे साइन करेगा, तो ये सारे इमेजिन मत करो। भरना तो टैक्स इसके अल्टीमेटली पेरेंट्स को ही है, इसके बिहाफ पे, ठीक है? मान लो अभी देखो ये सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, आगे देखते हैं। इसका एक और बच्चा डॉटर जो मिस पी, एक डॉटर है जिसकी एज 6 ईयर मान लेते हैं, और इसकी डॉटर ने एक डांस कंपटीशन जीत लिया। डांस कंपटीशन जीतने के बाद इसके पास पैसा आया, जैसे ही डांस कंपटीशन जीता, डांस कंपटीशन जीतने के बाद इसको थोड़ा पॉपुलर होने के बाद इसको एड्स वगैरह भी मिलने लग गए, और बाकी टीवी सीरियल वगैरह मूवी वगैरह में भी काम मिलने लग गया इसके काम को देख के। तो ये पैसा कमाना इसने स्टार्ट कर दिया, इसकी डॉटर ने, इसकी डॉटर ने जो पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, फिर से माइनर चाइल्ड ही है ये, फिर से ये इसके द्वारा इनकम कमाया जा रहा है, लेकिन अब ये हैंडीकैप नहीं है ये। अब इस केस के अंदर इनकम टैक्स कहता है कि ये बच्चा जो पैसे कमा रहा है ये अपने टैलेंट के हिसाब से कमा रहा है, इसमें इसका पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है। तो अगर हम इसकी इनकम को पेरेंट्स के अंदर जोड़ देंगे तो पेरेंट्स बच्चे को डांस नहीं करने देगा, बोलेगा इनकम कमाने का क्या फायदा, टैक्स तो हम ही देते हैं। तो पेरेंट्स क्या करेगा यहां पे, ड्रॉबैक। तो उसने बोला कि इस केस में बच्चे को खुद ही टैक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, यानी यहां पे भी एक बेनिफिट मिल गया 2.5 लाख रुपए का कि उसको खुद देना पड़ेगा। मान लो एक और बच्चा इसका, मिस्टर के, जो कि पढ़ने लिखने में नालायक है, और ये सिर्फ 12 ईयर का है। इसके बाद इसके पेरेंट्स ने क्या करा, बच्चे को बोला भाई तू पढ़ लिख तो रहा नहीं, किसी फैक्ट्री में काम कर ले जाके। ये फैक्ट्री में गया और काम करना स्टार्ट करने लग गया, अपनी मेहनत और मजदूरी से ये पैसे कमाने लग गया। ऐसे सिचुएशन में इनकम टैक्स ने फिर बोला कि ये बच्चा अपनी मेहनत से पैसे कमा रहा है तो इसके ऊपर इनकम टैक्स कौन देगा? इनकम टैक्स खुद को देना पड़ेगा, इस बच्चे के नाम से डिपॉजिट होगा। तो सेक्शन 64(1)(a) क्या कहता है हमें कि माइनर ऑफ क्लबिंग चाइल्ड, जब क्लबिंग ऑफ इनकम माइनर चाइल्ड, इसका मतलब बच्चे की इनकम जो कभी भी होगा उसके पेरेंट्स में ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन किस में? जिसका इनकम ज्यादा होगा। बट
कुछ एक्सेप्शन केसेस है, अगर बच्चा डिसेबल है या हैंडीकैप है तो खुद देगा, अगर बच्चा अपने टेक्निकल स्किल से काम करता है तो उसे खुद देना पड़ेगा, अगर बच्चा मैनुअल वर्क से काम करता है तब भी उसको खुद देना पड़ेगा। लेकिन जो 1500 रुपये वाला एग्जेम्पशन है वो इन तीनों केसेस में नहीं मिलने वाला। 1500 वाला एग्जेम्पशन कब मिलेगा? जब उसके पेरेंट्स में इनकम जुड़ जाएगा, तभी मिलेगा उसे 1500 रुपये का एग्जेम्पशन। एक एग्जाम्पल और, इनकम टैक्स के अंदर कई बार कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं हमारे पास, जिसकी वजह से होता क्या है, नॉर्मली देखा जाए तो जो टैक्स किस में क्लब होगा नहीं होगा वहां पे सिचुएशन समझ में नहीं आता, लॉ में लिखा हुआ ही नहीं रहता, तो इनकम टैक्स के सोचने से भी बाहर चला जाता है कई बार। तो इसी तरीके से कई सारे केसेस आए हुए हैं, जैसे कि सपोज करो मिस्टर एक्स जिसकी एज 60 ईयर, इसका एक बेटा है जिसकी एज 25 ईयर, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर कोई 60 साल का अगर कोई है तो उसका बेटा 25 साल, 26 साल, 30 साल का भी इनफेक्ट है, इजीली आपने देखा होगा। अब मिस्टर एक्स की वाइफ नहीं है, इसने मैरिज करने का अपना प्लानिंग कर लिया। हाँ जी, अब मैरिज करने का प्लानिंग कर लिया इसने, और इसने एक लड़की ढूंढी जिसकी एज 16 ईयर है। जिसकी एज 16 ईयर है, इसने 16 ईयर के एक लड़की से मैरिज कर लिया। अब ये जो इसका सन है, इस 16 ईयर के लड़की को क्या बोले? मदर बोलेगा। ये इसका फादर और ये इसकी मदर, वो भी लीगली, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 साल बाद ही मिस्टर एक्स नहीं रहा, 1 साल बाद ही मिस्टर एक्स नहीं रहा, इसकी किसी भी रीजन की वजह से डेथ हो गई। डेथ होने के बाद अब इसकी मम्मी एक लड़का ढूंढने लग गई। इसकी मम्मी ने एक 17 ईयर लड़के से मैरिज कर लिया। अब ये जो 17 ईयर ओल्ड एज लड़का है वो इसका क्या होगा? पापा। अब यहां पे मम्मी भी इनकम कमाती है और पापा भी इनकम कमाते हैं, लेकिन ये दोनों है माइनर, और जो ये बच्चा है ये है मेजर। कॉन्सेप्ट तो हमारा, अगर माइनर चाइल्ड है तो पापा में इनकम जोड़ दिया जाएगा या मम्मी में, लेकिन माइनर अगर पेरेंट्स हो गए तो किस में इनकम जोड़ेंगे? क्योंकि बच्चा मेजर है यहां पे, तो किस में जोड़ा जाएगा? तो ऐसा इनकम टैक्स में कई बार ऐसा केसेस हुआ है, बहुत सारे केसेस आप भी देखते होंगे नॉर्मली कि ऐसे केसेस है, लेकिन ऐसे केस में इनकम टैक्स वालों ने बोला ये बहुत अजीबो गरीब केस है, तो इसके ऊपर कोई सेक्शन नहीं बनने वाला, अपना अपना इनकम पे अपना अपना टैक्स आप जमा करवाओगे। तो आपके एग्जाम में इस तरीके से केस स्टडी आ सकता है कई बार, तो इसके ऊपर खुद अपना इनकम डिपॉजिट करवाएंगे। तो आपको इसके बारे में जब आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो जो मैंने ये एग्जाम्पल लिया इसके बारे में थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका सिर्फ रहेगा ये वाला पोर्शन कि इन केस ऑफ माइनर चाइल्ड देन इनकम विल बी क्लब्ड इन हिज पेरेंट्स हुज इनकम ग्रेटर, जिसका इनकम ज्यादा होगा, बट सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशन 1500 पर चाइल्ड, पर मंथ नहीं है, पर एनम नहीं है, वो पर चाइल्ड है। इन केस ऑफ अगर बच्चा हैंडीकैप हुआ तो फिर नहीं जुड़ेगा, इन केस ऑफ बच्चा अपने मैनुअल वर्क से कमाता है तो नहीं जुड़ेगा, इन केस ऑफ बच्चा टेक्निकल स्किल से कमाता है तो नहीं जुड़ेगा। इतनी बातें आपको एक्सप्लेन करके आनी है, और 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि ये आना ही आना होता है आपके एग्जाम के अंदर। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा लिखवा देता हूं, एक कॉन्सेप्ट और है इसके अंदर, इसी के अंदर मान लो मिस्टर एक्स और मिस वाई, मिसेस नहीं है अभी, मिस है अभी, इसका मतलब इन दोनों का मैरिज नहीं हुआ।
मैरिज नहीं होने के बावजूद इन दोनों का एक चाइल्ड है और वो भी माइनर है, वो मान लेते हैं 5 ईयर। अब ऐसे केसेस काफी सारे हैं जिसके अंदर मैरिज से बिफोर चाइल्ड है। ऐसे सिचुएशन में बोला सेक्शन तो क्लियर क्या कहता है कि पेरेंट्स में जुड़ेगा, बट इसका पेरेंट्स तो ये है नहीं। पेरेंट्स तभी होगा जब ये दोनों क्या थे, मैरिज करते हैं। तो और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। मान लो इन दोनों के पेरेंट्स नहीं रहे, अब किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गया, तो ऐसे केसेस में, लॉ के अंदर क्लियरली मेंशन है कि अगर ऐसा कोई केस आता है तो जो इस बच्चे की देखभाल करेगा, जो इसका केयरिंग करेगा बच्चे का, वो इनकम उसमें ऐड कर दिया जाएगा। यानी जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स वहां पे होना चाहिए। अगर ऐसा कोई एक्सेप्शन केस दिखा तो जो इसका बच्चे का केयरिंग करेगा, जो बच्चे की सारी देखभाल करेगा, उसके अंदर इनकम क्लब कर दिया जाएगा। देखते हैं। अब देखो एक और सेक्शन है हमारा, 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6। इसके अंदर क्या बताया गया, जैसे मान लो मिस्टर एक्स इसका सन मिस्टर ए और इसके सन ने जो मैरिज कर लिया उसकी वाइफ मिसेस ए, मिस्टर एक्स के पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारे एसेट्स भी हैं। मिस्टर एक्स ने क्या करा कि अपने बेटे के नाम पे कुछ ना करके अपनी बेटे के वाइफ के नाम पे इसके पास एक मान लो बॉन्ड्स पड़ा हुआ था, और बॉन्ड्स जो इसके पास पड़ा हुआ था, मान लो इसको 10% वाले 10 लाख रुपए के बॉन्ड्स दे दिए। 10% वाले 10 लाख रुपए के इसको बॉन्ड्स दे दिए। किसको दे दिए? अपने सन के वाइफ को। सन को नहीं दिया, सन के वाइफ को दे दिया। अब इस इनकम पे हर साल इनकम जनरेट होने लग गया। इसकी वाइफ के यानी मिसेस ए के कितने इनकम जनरेट हो जाएगा? 1 लाख रुपए। इनकम टैक्स ऑफिसर मिस्टर एक्स से पूछता है कि भाई आपकी बॉन्ड्स है, और बॉन्ड्स पे बोला बॉन्ड्स मेरा नहीं है, बॉन्ड्स मैंने दे दिया है। किसको दे दिया है बॉन्ड्स? अपने सन की वाइफ को। मेरे नाम पे नहीं है क्योंकि इनकम एसेट्स जो भी है वो ट्रांसफर कर दिया मैंने उसके नाम पे, तो उससे टैक्स लो आप जाके। और ना ही ये रिवोकेबल है, हमने सेक्शन 61 में यही पढ़ा था, ना ही मैं लूंगा भी नहीं इससे कभी, मैंने उसको दे दिया। इनकम टैक्स वालों ने बोला ये रिवोकेबल नहीं है, तब भी ये आपका सिर्फ टैक्स बचाने का प्लानिंग लग रहा है मुझे। तो जो इससे इनकम एसेट्स दे दिया हम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन जो उस एसेट से इनकम जनरेट होगा आपके इनकम में ही क्लब्ड कर दिया जाएगा। यानी अगर इनकम फ्रॉम एसेट, यानी किसी भी इनकम होता है किससे, एसेट से, जो कि ट्रांसफर कर दिया, एसेट्स दे दिया जा चुका है किसको, सन्स की वाइफ को, तो जो इनकम अराइज होगा किसमें टैक्सेबल हो जाएगा? जाके मिस्टर एक्स में। लेकिन सेक्शन 61 में क्या सीखा था हमने कि अगर रिवोकेबल ट्रांसफर हुआ तभी ऐड होता था, अदरवाइज नहीं। लेकिन यहां पे स्पेसिफाइड किया गया सन्स के वाइफ को, वहां अदर पर्सन था, यानी किसी को दे दिया, सिस्टर को दे दिया या किसी को दे दिया, वो अदर पर्सन। यहां पे कौन है? सन्स की वाइफ। तो एक बार ये हेडिंग लिखना। अब देखो एक और केस हो सकता है यहां पे, मिस्टर एक्स, यहां पे देखा जाए तो मिस्टर एक्स को टैक्स देना पड़ रहा है। वो सोचा टैक्स बचाने के लिए एक प्लानिंग करा, उसमें खुद ही फंस गया इस सेक्शन की वजह से। मिस्टर एक्स ने क्या करा, इसके पास मान लो एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री इसने दे दिया एक्स वाई जेड लिमिटेड को। अब तो इसकी वाइफ नहीं है ये किसको दे दिया इसने? एक्स वाई जेड लिमिटेड को। और इस पे कंडीशन लगा दिया कि भाई जो मैं फैक्ट्री आपको दे रहा हूं या जो मशीनरी, जो प्लांट आपको दिया जा रहा है, इसमें से इनकम सपोज करो 2 लाख रुपए महीने का अराइज होता है। किस पे? जो भी मिस्टर एक्स ने किसको दिया है, एक्स वाई जेड लिमिटेड को। और जो इसमें से 2 लाख इनकम अराइज होगा, मैं ये वाली फैक्ट्री
तभी एक्स वाई जेड लिमिटेड आपको देने वाला हूं कि जो इनकम इससे अराइज होगा, इसमें से 1,20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया जाए मेरे सन के वाइफ को। कंसेप्ट समझ में आया? इस वाले में फर्क ये है, यहां तो डायरेक्ट कर रहा था तो फंस गया था, और यहां पे डायरेक्ट नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली। अल्टीमेटली इसका मेन मोटिव क्या था? ये पैसा किसी और को ना जाए, सन्स के वाइफ को चला जाए। तो ऐसे सिचुएशन में इनकम टैक्स ने फिर बोला और एक और सेक्शन लेके आया, सेक्शन 64(1) और 7 लेके आया कि इन केस ऑफ एनी एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन, यहां पे वाइफ को ना, एनी एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन एंड इनकम अराइज किसके नाम पे चले जाए, उसके सन्स के वाइफ पे, तो भी टैक्स कौन देगा? मिस्टर एक्स देगा, ना कि वो कंपनी और ना ही उसके सन्स की वाइफ। इसका सेक्शन लिखिए आप, इसका हेडिंग लिखिए, एक बार मैं लिखवा देता हूं हेडिंग। इसके लिए कोई लिखवाने का, वैसे मैं बता दूंगा इसको, आप एक बार लिख लो हेडिंग। हेडिंग लिखना बस, 3-4 लाइन छोड़ दो और हेडिंग लिख लो। लिखना इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन, फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, फॉर द बेनिफिट सन्स वाइफ, सन्स वाइफ सेक्शन लिखना आप, 64(1)(8). हाँ, लिख लिया। अब देखो एक प्रोविजन और हो सकता है, एक प्रोविजन और हो सकता है, मिस्टर एक्स एक एसेट्स दे देता है। मान लो मिस्टर एक्स है और एक इसका फ्रेंड है मिस्टर वाई, इसकी वाइफ मिसेस एक्स और इसकी वाइफ मिसेस वाई। हुआ क्या, मिस्टर एक्स ने एक एसेट्स ट्रांसफर कर दिया मिस्टर वाई के वाइफ को, एक गिफ्ट दिया, और एक एसेट ट्रांसफर किसको कर दिया, और मिस्टर वाई ने, जब मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर कर दिया तो मिस्टर वाई ने भी ट्रांसफर कर दिया एक एसेट मिसेस एक्स को। हुआ क्या, यहां पे जो एसेट ट्रांसफर करा था मिसेस एक्स को, इस पे इनकम जनरेट होता था 1,00,000 रुपए, इस पे इनकम जनरेट होता था हमारा 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए जो इनकम जनरेट होता था, वो इनकम इसकी वाइफ किसको दे देती थी, अपने हस्बैंड को, और हस्बैंड किसको दे देता था जाके, इसकी वाइफ को। तो यहां पे देखा जाए तो अल्टीमेटली मिस्टर एक्स जो भी एसेट ट्रांसफर कर रहा था, इनकम रिवर्ट बैक होके किसको मिल रहा था? अगर ये डायरेक्टली इसको ट्रांसफर करता विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट्स, तो वो तो सेक्शन 60 में फंस जाता कि भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे जो ट्रांसफर किया गया डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट में किया गया, तो ऐसे सिचुएशन में भी अगर कोई भी एसेट ट्रांसफर करेगा एनी अदर पर्सन को, और उससे जो इनकम अराइज होगा वो उसके स्पाउस को ट्रांसफर हो रहा है, तो जिसने एसेट्स को ट्रांसफर किया उसी में क्लब हो जाएगा। इसका सेक्शन है
64,17। इसका हेडिंग लिख लो। इसका हेडिंग लिखना, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर। हेडिंग इसके लिए तीन चार लाइन छोड़ दो, आप एग्जांपल लिखवा दूंगा मैं। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन, ट्रांसफर टू एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट, फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्पाउस ऑफ द ट्रांसफरर, बेनिफिट ऑफ द स्पाउस ऑफ द, यानी किसी पर्सन ने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे पर्सन को, लेकिन बेनिफिट किसको मिल रहा है, उसी के वाइफ को, स्पाउस यानी हस्बैंड या फिर वाइफ, तो उसी में जुड़ जाएगा जिसने इनकम को, एसेट्स को ट्रांसफर किया है। पूरा का पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके अंदर अगर देखो आप, तो सिर्फ और सिर्फ हमने मेन मेन सेक्शन आपको अगर क्विकली बताऊं, तो एक सेक्शन था इसके अंदर हमारा 60, इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट 61, आपका एसेट ट्रांसफर कर दो बट रिवोकेबल हो। इसके बाद एक था हमारा स्पाउस का रेमुनरेशन और माइनर चाइल्ड, बस। और ये एक मैं